नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। चार राज्यों के चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां शिवराज सिंह चौहान का जादू चल गया है। लाडली बहनों ने मामा पर खूब प्यार लुटाया है। शिवराज ने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर इमोशनल कार्ड भी खेला था और जो लोग ये सोच रहे थे कि शिव तो गए, उनके सामने सियासी चमत्कार मामा ने कर डाला है। देखिए शिवराज के मैजिक पर हमारी ये खास रिपोर्ट। लाडली बहनों का प्यार, हिंदुत्व की हुंकार, मध्य प्रदेश में ब्रांड शिवराज का सियासी चमत्कार। मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज वोटर्स के सामने अब खुद ब्रांड बन गए हैं। शिवराज हिंदुत्व के रथ पर सवार हैं और फिलहाल वेग से इस रथ का हांकते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी मध्य प्रदेश में शिव के नाम का जयकारा लग रहा है। मामा शिवराज सिंह चौहान ने उनकी विदाई का मरसिया पढ़ रहे लोगों को करारा जवाब दिया है और बंपर बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी की है। एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह ध्वस्त करके शिव ने राज ले लिया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के चुनावी समर में जिस शिवराज को लोग गया गया मान रहे थे, उन्होंने झन्नाटेदार कमबैक करके खुद को ब्रांड साबित कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर चार बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने एंटी इनकम्बेंसी नाम की बला को कैसे धक्का दिया और मैदान अपने नाम कर लिया। चुनावी पंडित मानते हैं कि लाडली बहनों ने शिवराज पर प्यार लौटाया। वो घर घर पहुंच चुकी स्कीम लाडली बहना को जीत का प्राइम फैक्टर मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जन कल्याणकारी योजना लागू की थी, उसे शिवराज सिंह चौहान ने जमीन स्तर पर पहुंचाया और अपने भी कल्याणकारी योजना जो राज्य सरकार की शिवराज सिंह चौहान की थी, वो भी जमीन स्तर पर जनता के बीच पहुंची। उसने शिवराज सरकार के वापसी का राह प्रशस्त किया। इसके अलावा लाडली बहना योजना और किसान सम्मान निधि ऐसी योजना है जिस योजनाओं ने शिवराज की वापसी को तय किया। मध्य प्रदेश के 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना का फायदा लेने वाली महिलाओं ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया है। इन महिलाओं लड़कियों के लिए शिवराज का नाम एक भरोसा बना। मध्य प्रदेश की बेटियों ने शिवराज की इस स्कीम को भविष्य की गारंटी समझा और वोट दिया। कुल मिलाकर मामा का इमोशनल कार्ड चल गया। बहनों ने मामा के लिए दनादन बटन दबाया। हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया समय। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज को बतौर मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं उतारा, बल्कि उनको खुद को साबित करने की चुनौती दी गई। वो नेता जो शिवराज को चुनौती दे सकते थे, उन्हें पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया और शिवराज को साफ साफ अपनी योग्यता और प्रभाव साबित करने को कहा। शिवराज ने ये कर भी दिखाया। हिंदुत्व का सिक्का चला तो बुलडोजर फैक्टर ने भी उन्हें भरोसेमंद बनाया। वैसे इस जीत में मोदी मैजिक भी कम नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का चुनावी मैनेजमेंट भी सफलता की गारंटी सिद्ध हुआ। खुद शिवराज कह गए कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं,
और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। इन फैक्टर्स के अलावा मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज वोटर्स के सामने खुद भी ब्रांड बन गए। इस पीरियड में मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की कैटेगरी से बाहर निकला है। कई शहरों का कायाकल्प हुआ है। लोगों ने काम करने के इस तरीके को पसंद किया है। उन्हें ब्रांड शिवराज पर भरोसा नजर आया, इसलिए लोगों ने शिवराज को वोट दिया। बहरहाल 2023 के विधानसभा चुनाव के मैन ऑफ द मैच शिवराज सिंह चौहान ही हैं। मध्य प्रदेश के परिणामों ने यह साबित कर दिया है। इनमें कोई शक नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान महज मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोअर मिडिल क्लास के स्थापित लीडर बन चुके हैं। सभी घरों को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं आप सबको नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाडली बहनों के लिए जो स्कीम शिवराज सरकार ने चलाई थी उसका जादू चल चुका है और मामा का जादू तो लगातार बना ही हुआ है। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, इतनी बड़ी बीजेपी की जीत होगी ये शायद सोचा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बात का दावा कर रही थी। पिछली बार हमने जीत दर्ज की थी, बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल गई, सरकार गिर गई, लेकिन एक बार फिर से जनता हम पर ही मोहर लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल गुंजन, और लगभग 166 के आसपास सीटें जो है वो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। और अगर हम इस पूरी संख्या की बात करें तो बीजेपी को खुद अनुमान नहीं था कि इतनी सीटें बीजेपी जीत सकती है। जब चुनाव हो गए उसके बाद हमारी जब बीजेपी में बात हुई तो सूत्रों ने हमको बताया कि बीजेपी हाफ मार्क से 10 सीट आगे ला सकती है, यानी 115 से 10 125 तक बीजेपी का अनुमान था। लेकिन जिस तरह का समर्थन बीजेपी को मिला वो अप्रत्याशित है, ऐसा बीजेपी का भी मानना है। इसका कारण कहीं ना कहीं जो जिस तरह से कैंपेनिंग की गई, जिस तरह से जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने पूरा अपने हाथ में जिम्मा लिया कैंपेनिंग करने का, प्रचार करने का, वो एक बड़ा कारण देखा जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई उस वक्त ही देखा जा रहा था कि एंटी इनकंबेंसी काफी ज्यादा ग्राउंड पर दिख रही थी। उसके बाद जब मोदी लेड बीजेपी टीम जब पहुंची मध्य प्रदेश में तो उन्होंने एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत ये निकाला गया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको उतारा जाएगा, साथ ही साथ जो सांसद हैं उनको उतारा जाएगा, जिससे काफी फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आया। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ काफी मुद्दे थे, चाहे वो एंटी इनकंबेंसी हो, चाहे वो जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है वो हो, जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो हो, तो इन सब मुद्दों से लड़ने के लिए बीजेपी ने पूरी एक नई टीम उतार दी और वो नई टीम कहीं ना कहीं काफी मददगार साबित हुई। हालांकि जिस तरह के चेहरे दिए गए मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं उतारा गया, उनको सिर्फ इस तरह से उतारा गया ताकि जो जनता है मध्य प्रदेश की वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब जब प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिल चुका है, देखना ये होगा कि सत्ता किसके हाथ में सौंपी जाती है। कई सारे फैक्टर हैं जो लग रहा था कि इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। एक तो शिवराज का इमोशनल कार्ड और साथ ही साथ वो जिस तरीके से लाडली बहना लक्ष्मी योजना का प्रचार करते हैं और उसका फायदा वहां की महिलाओं को मिला है, ये एक बड़ा फैक्टर। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में चुनाव शिवराज के चेहरे पर नहीं मोदी के चेहरे पर हुआ है, और अगर ये जीत में बदलाव होता है रुझानों का तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जी बिल्कुल गुंजन, और ये बात ना सिर्फ यहाँ के नेता बोल रहे हैं बल्कि शिवराज सिंह चौहान खुद मान रहे हैं कि जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर वो मोदी फैक्टर की वजह से हुई है। मोदी फैक्टर की वजह से ही बीजेपी 166 तक पहुंच पाई, नहीं तो उससे पहले बीजेपी को उम्मीद थी कि लगभग 125 126 तक बीजेपी सिमट जाएगी। बीजेपी ये भी मान रही थी कि सरकार जरूर बनाएगी लेकिन इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलेगा ऐसा बीजेपी के नेताओं ने खुद उम्मीद उसकी नहीं लगाई थी। जब मोदी ने और सेंट्रल लीडरशिप ने बीजेपी की अपने हाथ में कमान संभाली, उसके बाद से चुनाव का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया। एक नई टीम जो है वो बीजेपी में मध्य प्रदेश में नजर आई और उस नई टीम ने अपना जादू कर दिखाया। शिवराज को बैकफुट पर धकेलकर जो मोदी मैजिक है उस वजह से बीजेपी 166 सीटें लेके आई है।
ये भी इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो इमोशनल कार्ड शिवराज सिंह चौहान ने खेला, साथ ही साथ लाडली बहना योजना हो गई, लाडली लक्ष्मी योजना हो गई और कई अलग अलग जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए लेके आए उससे काफी फायदा हुआ। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2,71,00,000 के आसपास महिलाएं मध्य प्रदेश के अंदर है, महिला वोटर्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर समर्थन शिवराज सिंह चौहान को किया और जब नतीजे सामने आए तो आज वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई जब महिलाएं काफी भारी मात्रा में शिवराज सिंह चौहान के घर पर पहुंची और घर पर पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान को हार्दिक बधाई भी उन्होंने दी। वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया। अब इन सब चीजों के बाद जब 166 के आसपास सीटें बीजेपी जीत रही है, अब ये देखना होगा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड किस तरह के फैसले लेता है, किसको सत्ता सौंपी जाती है, क्योंकि बड़े चेहरे देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी के लिए आज बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी जीत तो शायद बीजेपी ने सोची तक नहीं थी, उतनी बड़ी जीत के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को शानदार जीत मिली है और शिवराज सिंह चौहान से बात की है हमारी संवाददाता पूजा शाली ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं शिवराज जी। 2003 से 2023 आ गया, शिवराज जी टिके हुए हैं, बीच में कोई ब्रेक भी आया तो आपने ओवरकम किया, क्या इसके पीछे इसको चमत्कार कहेंगे, परिश्रम कहेंगे या लोगों का प्यार? देखिए, अगर आप विनम्रता के साथ जनता की सेवा प्रमाणिकता के साथ करते हैं तो लोग आपसे प्यार करते हैं, ये जनता का प्यार है। लेकिन मैं कहता हूँ कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जन जन के मन में है, एमपी के मन में मोदी, ये इस चुनाव ने सिद्ध किया है। उनकी गारंटी पर लोग भरोसा रखते हैं और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, हमने 18 साल में मध्य प्रदेश बदला है, ये विकास के कामों पर मोहर है, जन कल्याण की योजनाओं पर मोहर लगाई। जब आज तक इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया पोल ने कहा 140 से 162 सीट्स आएंगी, काफियों ने कहा ये कैसे इतना बड़ा मार्जिन हो सकता है, और आज वही सटीक हुआ? नहीं, मुझे भरोसा था, एक तो आपका जो अनुमान है वो सटीक बैठा है, लेकिन जनता का जो प्यार सड़कों पर दिखता था, लाडली बहने में जहाँ जाता था गले लगती थी, सिर पे हाथ फेरती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे और कहती थी अपन जीतेंगे, उससे लगता था कि परिणाम आएंगे। आप मानते हैं कि औरतें, लड़कियां, इनका वोट सबसे मायने रखा, ये कांग्रेस नहीं खींच पाई अपनी तरफ? आप विश्लेषण करेंगे तो यही सामने आएगा कि बहनों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ के भी हमें वोट किया। आखिरी सवाल सर, हमने जब सपोर्टर्स से और लोगों से पूछा कि मुख्यमंत्री यही रहेंगे या बदलेंगे, तो सबने एक साथ आपका ही नाम लिया, वो रेडी नहीं है नाम बदलने के लिए? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है भारत के निर्माण का, वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण का, हम उस मिशन के अंग है, पार्टी तय करती कौन कहाँ काम करे। बहुत बहुत मुबारक शिवराज सिंह चौहान, 2005, फिर 2008, 2013 और उसके बाद 2023, बीच में ब्रेक आए लेकिन वो लड़ाई जो लड़ी है भाजपा ने मिलकर इस बार, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, मिनिस्टर अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या पार्टी के ग्राउंड लेवल वर्कर्स, आज उस विक्ट्री को यहाँ पे देखा जा रहा है भोपाल में। गुंजीत कुमार के साथ भोपाल मध्य प्रदेश में पूजा शाली। तो आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, उनका सीधे तौर पर कहना है कि आधी आबादी का जो फैक्टर है वो काम किया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया जिसका असर भी हमें सीटों के रूप में देखने को मिल रहा है। तो एमपी में मिली जीत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता को शुक्रिया भी कहा, इस जीत के लिए वो बीजेपी के विकास से जुड़ी नीतियों को वजह बता रहे हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता पूजा ने, वो भी आप सुनिए। भाजपा को जिताने की एक रिकॉर्ड जो हिस्ट्री हासिल हुई है, क्या रीजन है, क्यों भाजपा को लोगों ने फिर वोट किया है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में एक बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है, अधोसंरचना की बात करिए, सामाजिक विकास की बात करिए, जिस मध्य प्रदेश में शायद 2003 में आप नहीं आई थी, जहां सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, आज उसका बारंबार भरपूरता है। और इसलिए जो सत्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर श्रेय जाता है तो पहले तो मैं श्रेय मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन को देना चाहता हूं, नकमस्तक होता हूं उनके सामने, प्रणाम करता हूं, उनको पैर छूता हूं कि उन्होंने इतना आशीर्वाद प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आधार पर ही ये संभव हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, उनकी हौसला अफजाई
और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का जिसमें लाडली बहना है उसका क्रियान्वयन, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ केवल। ग्वालियर बेल्ट हो चाहे उस पर काफी फर्क आया, और कांग्रेस ने आपको बहुत टारगेट किया पर्सनल, आप ट्रेटर हैं, आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, सरकार गिरा दी, आज वापस बीजेपी बन रही है, उसको उस पार्टी को आज क्या कहें? क्योंकि जब एक्सिस माई इंडिया का पोल आया था तो जब 140-162 मार्जिन आ, काफी ने कहा इतना लंबा मार्जिन कैसे हो सकता? कांग्रेस ने मुझे के नेताओं ने मुझे 3 साल से मुझे गालियां दी हैं, मुझे बद्दुआ दी है, मुझे श्राप दिया है, मैंने सब कुछ अपने छाती पे लिया। पहला जवाब उनको 2020 के उपचुनाव में मिल गया था और मैंने कुछ नहीं कहा इस चुनाव तक, और खास करके एक नेता जिन्होंने मेरी कद के बात बारे में कहा था और मेरे परिवार के ऊपर प्रश्न उठाया था और गद्दारी का, मैंने कहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग उनको जवाब देगी और मध्य प्रदेश जवाब देगी। आज उनको उनका कद का एहसास मध्य प्रदेश की जनता ने करवा दिया है। क्या ऐसा हो सकता है राजस्थान में मुख्यमंत्री भाजपा के, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा के, और दोनों एक ही परिवार से हो? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ता था, आज भी हूं और रहूंगा। मेरे दिल में जनसेवा मेरा पथ है, मेरा लक्ष्य है, और विकास और प्रगति मेरा एकमात्र आशा और अभिलाषा है। तो चुनावों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई तरीके के कटाक्ष किए गए, और इसीलिए इन चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि जब ये कांग्रेस में थे तो करीब करीब 23 से 24 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी, लेकिन अब जब ये भाजपा के साथ है तो चंबल के क्षेत्र से 33 से 34 सीटें आती हुई दिख रही है। ऐसे में सिंधिया का वर्चस्व भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।